हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनु आइडिया एंड जुगाड़। फ्रेंड्स, फेस्टिवल का टाइम स्टार्ट हो गया है, गणेश जी, जन्माष्टमी, सारे फेस्टिवल स्टार्ट हो गए, तो इसमें हम घर की सफाई तो स्टार्ट कर देते हैं, हर घर भी अच्छे तरीके से डेकोरेट करते हैं, क्लीन करते हैं। लेकिन यदि ऐसे में आपके पूजा के बर्तन यदि क्लीन नहीं है तो फिर वो सफाई और फेस्टिवल का मजा नहीं आता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपने पूजा के बर्तन को एकदम न्यू जैसा चमका सकते हैं। तो चलिए धोना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में पीतांबरी पाउडर आता है, ये मैंने खोल के डब्बे में भर लिया है। ये पीतल और तांबे के बर्तन साफ करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको बस एक प्लेट में ऐसे पीतांबरी पाउडर लेना है। अब चाहे हाथ से या फिर स्कॉच ब्राइट की हेल्प से आप पूरा इसे ऐसे लगा लीजिए। आप जैसे जैसे रगड़ते जाएंगे ये वैसे ही चमकता जाएगा, इसका जो कालापन है वो अपना निकल जाता है। तो बस हमें इसी तरह से रगड़ना है और थोड़ी देर बाद हम इसे धो लेंगे तो इसकी शाइनिंग आ जाती है। देखिए, इसमें थोड़ा बहुत जो कालापन था वो धीरे धीरे पूरा साफ हो गया है। आप चाहे तो स्कॉच ब्राइट से भी ऐसे रगड़ सकते हैं, तो आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। ये देखिए कैसे रगड़ते रगड़ते ये क्लीन हो गया है। देखिए, दूसरे तरीके से साफ करने के लिए आप एक नींबू का टुकड़ा ले लीजिए। आप चाहे तो इसका रस भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे नींबू में ही, मैंने देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नमक लिया हुआ है, थोड़ा सा नमक लेंगे। आपको जितना बर्तन साफ करना है उस हिसाब से आप नमक लीजिए और नींबू को उस नमक में ऐसे हम डिप करेंगे और फिर अपने बर्तन पे ऐसे रगड़ते जाएंगे। देखिए अभी कैसा दिख रहा है, और देखिए मेरे रगड़ते रगड़ते ही आपको दिखेगा कि ये बर्तन किस तरीके से चमकने लग गया है। ये देखिए इसकी शाइनिंग देखिए वापस आ रही है। पूजा के बर्तन को तो रोज ही साफ करो तभी वो चमकते हैं, नहीं तो जैसे उसमें पानी पड़ता है या हमारे हाथ लगते हैं तो धीरे धीरे वो काले ही होते जाते हैं। देखिए किस तरीके से ये ऐसे चमकने लगा है। आप ऐसे ही फिर से नमक में डिप करिए और ऐसे रगड़ते जाइए। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि आपका बर्तन पूरा अच्छे से चमक जाएगा। ये देखिए मैं आपको नीचे की गुलाई दिखा रही हूँ, ये देखिए देखते देखते कितना क्लीन हो गया है। इसी तरह से इसकी पूरी शाइनिंग एकदम न्यू जैसी हो जाएगी। फ्रेंड, देखिए हमारा लोटा एकदम नया जैसा चमक गया है। ये देखिए मैंने अंदर भी ऐसे ही नींबू डाल के पूरा इसको रगड़ दिया है, तो ये अंदर से भी देखिए पूरा एकदम न्यू जैसा चमक रहा है। देखिए फ्रेंड, तीसरा तरीका है कि यदि आपके यहाँ पीतांबरी भी नहीं है, नींबू नहीं है, लेकिन सॉस तो क्या है कि सभी के घर में होता है, तो आप थोड़ा सा सॉस ले लीजिए किसी प्लेट या बर्तन में और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूं। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी आप हाथ से ही या फिर स्कॉच ब्राइट किसी से भी लगा के साफ करिए तो देखिए चमक जाएगा। देखिए आपके देखते देखते देखिए लोटा कितने अच्छे से चमकने लगा है। ये देखिए आप जैसे जैसे रगड़ते जाएंगे, सॉस लगाते जाना है, रगड़ते जाना है। आप हाथ से रगड़िए या देखिए स्कॉच ब्राइट ले लीजिए। देखिए जैसे जैसे मैं इसको लगाती जा रही हूँ इसकी खटाई से इसकी शाइनिंग लौटती आ रही है। बस आपको ऐसे ही रगड़ते रहना है, आपके बर्तन हमेशा ऐसे ही चमकते रहेंगे। आप इन तीनों में से कोई भी तरीका आजमा सकते हैं अपने पूजा के बर्तनों को चमकाने के लिए। ये देखिए मैंने पूजा की घंटी ली है, इसमें भी हाथ से छूते छूते से काला निशान पड़ जाता है, तो बस इसमें भी आपको ऐसे करना है, सॉस में डिप करके स्कॉच ब्राइट को और ऐसे रगड़ते जाना है। ये पीतल की घंटी है, ये देखिए आप जैसे जैसे रगड़ते जाएंगे वो वैसे ही चमकती जाएगी, उसका कालापन पूरा निकल जाएगा। फ्रेंड, देखिए हमारा लोटा कितना चमकने लग गया है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ये कितना काला था और रगड़ते रगड़ते ही इसकी शाइनिंग आ गई और 5 मिनट से भी ज्यादा का समय नहीं लगा है। अब इसे हम पानी से धो के पोंछ लेंगे। पानी से धोने के बाद आप बर्तनों को एक सूखे कपड़े से जरूर पोंछ लीजिएगा, क्योंकि यदि इसमें पानी लगा रहेगा तो सूखने के बाद वापस उसमें दाग बन जाता है। फ्रेंड, देखिए हमारे बर्तन कितने अच्छे से चमक गए हैं। अब इन चमकते हुए बर्तनों से आप पूजा करेंगे तो आप भी खुश और भगवान भी खुश। तो आप इन तीनों में से जो भी ट्रिक आपको पसंद आए आप एक बार जरूर उसे यूज कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ, क्योंकि अच्छी चीजें तो सभी को पता होना चाहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? आप ये तीनों ही बहुत ही इजी हैं और घर में कोई ना कोई सामान अवेलेबल रहता ही है, तो आप इन तीनों में से कोई भी ट्रिक यूज करके अपने पूजा के बर्तनों को चमका सकते हैं और अपने फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं।